साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज 3-0 से हारने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ को दो खिलाड़ियों की याद आई है। द्रविड़ का मानना है कि अगर टीम इंडिया में ये दो खिलाड़ी होते तो साउथ अफ्रीका में इंडिया की इतनी बुरी हालत कभी नहीं होती। आपको बताते हैं कि आखिर राहुल द्रविड़ किन दो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल सीरीज के आखिरी मैच में दीपक चहर की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद टीम इंडिया 4 रनों से मैच हार गई और साउथ अफ्रीका ने 3-0 से टीम इंडिया का सफाया कर दिया। और कम एक्सपीरियंस वाली साउथ अफ्रीका टीम से हारने के बाद टीम इंडिया पर सवाल उठ रहे हैं। हार के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि हमें 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या और 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा की कमी खली। द्रविड़ ने कहा कि टीम की लय बैलेंस पर निर्भर करती है। अगर ईमानदारी से देखें तो जो खिलाड़ी टीम को बैलेंस देते हैं वो 6, 7 और 8 नंबर पर ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, वह सिलेक्शन के लिए उपलब्ध ही नहीं थे। राहुल द्रविड़ ने कहा कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा फिटनेस के कारणों से बाहर हैं। जब वे वापसी करेंगे तो टीम इंडिया को गहराई मिलेगी और टीम इंडिया फिर से मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, राहुल द्रविड़ के बयान पर आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।